हमारे यहाँ रिचुअल होता है जो कि फंक्शन में भाभी नहाकर आ चुकी हैं, उसके बाद यहाँ देखिए सिंदूर का रस्म हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तभी चल रहा है तैयारी, सब हम लोग दोनों बहन लोग मिलकर नेक का जो रस्म होता है वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि भाभी का नहाने का टाइम भी हो गया है। और भाभी जी सोच रहे हैं कि अब क्या मांग लेंगे, नहीं पता इनको। और इधर आंटी लोग भी आ गई हैं जिनका फर्ज होता है यहाँ पे नहाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना गुड न्यूज़ आते, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि अभी हमारे घर से कोई जाने वाले हैं, अभी चले जाएंगे। बैठिए ना भाभी, कुर्सी पर जाइए ना, खड़ा मत रहिए, खड़ा मत रहिए। अब इधर सब कोई भैया लोग मम्मी लोग खाना वाना खा रहे हैं। और दीदी हो गया सीख दिए, तभी दीदी यहाँ पे निकाली है जार, क्योंकि हमारे यहाँ एक रस्म होती है और वो रस्म है सरसों का, जो आप सब देखे भी होंगे। जब मेरा नहाने का हुआ था उस टाइम तो मेरा भी सरसों, ए दीदी पीला सरसों ना पीसते हैं कि कभी सोच रहते हैं। तो ये देखिए दीदी सरसों निकाल के रख ली है। और एक चीज तो और है ना, देखिए अभी दोनों के पापा कितना फास्ट फास्ट में दही पिए जा रहे हैं बाबू को लिए हैं गोदी में, क्योंकि अभी ये जा रहे हैं घर, ये फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मजबूरी है जाना। और साथ में बाबू को भी लेके जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हम बोले बाबू को छोड़ दीजिए, लेकिन डुगू यहाँ पे रहेगा नहीं और उसका भी स्कूल चल रहा है तो भी स्कूल छोड़ नहीं सकते हैं। और बाबू भी रेडी हो गया, इसलिए दिखाते हैं आप सबको डुगू। इधर देखिए मेरा प्यारा सा गुल्लू रेडी हो गया, बाय बेटा बाय कर दो बाय। ये देखिए हाँ, खाना खाकर और बेसिन कैसे डाल रहा है, क्या स्टाइल डालने का, बहुत मस्त है ये। तो बाबू को पहना दे जूता होता है, दो बोतल डाल दे, पानी बोतल डाल दे, दो बोतल डाल दे, दो बोतल डाल दे। अच्छा अब जिसका पानी में डालना ठीक है, नहीं तो ठंडा गर्म हो जाएगा उतना देर तक ना, नॉर्मल पानी। चलिए दोस्तों इनके लिए पैकिंग सब कर देते हैं, क्योंकि आज वो भी कुछ खाना भी नहीं है तो बड़ा दिन भर टाइम तो लग ही जाएगा। जा रहे हैं ये जी मैया से, मैया से मिल लीजिए। अरे देखो तुम मिले नहीं दी हमको, चलो में है कह नाम है कि इन लोग रिवाज है कि बिना कुछ दिए लेकर ले आता है का। तो बाप रे बाप, ये देखिए ये तो गोदी ले लेंगे, बढ़िया सजेगा ठीक। हाँ दे दिए, मम्मी डुगो बाहरे है माँ, कभी से पहन उड़ के बैठल है। हाँ मेरे पास तो नहीं, रित्वी नानी को, नानी को जाए कीजिए, नानी को जाए, नानी को, नानी को जाए कीजिए। माथा तेल लगी बहुत, थोड़ा सा ऐसे लगा दीजिए, लगा दीजिए ना छोटी कर के। रित्वी बेटा मम्मा पापा है, मम्मा पापा, मम्मा पापा बेटा। अश्विन ना हां देखिए ना, बाय बाय रित्वी, बाय रित्वी, मम्मी को लगो, मम्मी को लगो। अब बाबू सुना मिल लीजिए जा के, ये बेटा देखिए मम्मी देखो ना, मां देखो तो बोले को मम्मी पास दौड़ के आती नहीं ना, पहन ले तो क्या दिक्कत है, नहीं पहन ले चले। ये लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, देखिए 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 एकदम जाने जाने बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कैसे जा रहा है माँ। बेटा मम्मा मम्मा के पास रह जाओ, ये भगवान वहीं से जाकर किसी भाग रहा है। स्कूटिया सोनू छोड़वा लीजिए, ऐ जी सोनू से छोड़वा लीजिए स्कूटिया से, कहे ना सोनू छोड़वा लीजिए स्कूटिया से। कैसे चले गया पापा के साथ में, मैं स्कूल से बहुत प्यार है माँ इसको, हाँ स्कूल से इतना ज्यादा प्यार है ना कि मत पूछिए। तो इधर देखिए आंटी क्या क्या हमारे यहाँ रिवाज है, सब अलग अलग प्रकार का रखे हुए हैं, चावल दो तीन प्रकार का, यहाँ पे सरसों दीदी पीस के रख दिए हैं, इधर नेक कुछ रखा हुआ है। तो अभी भाभी का नहाने का कार्यक्रम होगा, तो आप सब बस ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाए उनको पता ना, माँ सो ये नहीं रहा है तो सो उठ जा रहा है। हाँ दी
हाँ हाँ दीदी हाँ हाँ दी भूला गए कि बहन नहीं खेले हमारे खा लीजिए खा लीजिए नहीं नहीं बस सो रहा है उठ जा रहा है कितना देर है गर्मी एक बच्चा गर्मी में नहीं रखो जा रही थी मिल गया मिल गया लेकिन बड़ी भारी लग रहा है जाइए तब हाँ तो रहता है भी मम्मी बाबू दम नहीं रह रहा है जिसको हम गोदी में लिए रह रहे हैं हाँ निकालने पड़ेगा चलो हट जा हट जा इधर दीदी उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर हमारी प्रिंसेस जो है भी उठ नहीं रही है बड़े दिन से बोलिएगा दीदी पकड़ देंगे बोलिएगा पकड़ बाहर उसके बाद है ना अंदर जाएंगे वॉशरूम नहाने के लिए भाभी को बाहर बाहर थोड़ा सा नहाएंगे उसके बाद है ना अंदर ना अभी तरह से डर भाभी का नहाने का कार्यक्रम बाथरूम में ही है क्योंकि बाहर सबको ऐसे आते हैं ना तो ये देखिए ये है हमारे यहाँ रिवाज ये सरसों से कितना सब तरीके से किया जा रहा है इधर मम्मी जी लेके खड़े हैं बेबी को ये हमारे यहाँ रिचुअल होता है जो कि फंक्शन में भाभी नहाकर आ चुकी हैं उसके बाद यहाँ देखिए सिंदूर का रस्म हो रहा है माँ उधर बेबी को लेकर खड़े हैं इधर आंटी लोग भाभी लोग से बहुत बाद मुलाकात हो रहा है सबको ही खड़े हुए हैं यहाँ पे अभी कौन थी नहीं पता होगा लोग के तो कोरा में देबा तब नहीं याद कर पाए नहीं ना कोई कोई लोग बहुत तेज रहते हैं अब आती है मम्मी की बारी परंपरा है देखिए बाबू को ले लीजिए गोदी में नहीं लेके चल पाएंगे ना इतना कड़ा की धूप सोचे थे हमें हंसी लग रही का है इसीलिए ना ढेरे मिल गया है इसीलिए ना भाभी जा रहे हैं कमरे में हम सारा जिठा दिए हैं अभी सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है स्मार्ट लग रही है तो दीदी कहाँ गायब हो गए अब बाहर है आइए आइए जाइए अब नहाइए हमको देखिए कैसे बाहर से वो कर दिए हैं तो मम्मी अभी जो लोग आंटी और भाभी लोग आए हुए ना उनके लिए नाश्ता निकाल रही है सारा नाश्ता इधर रेडी हुआ है अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं फिर दोबारा आते नहीं होते इसलिए मम्मी सारा व्यवस्था करके रखी थी और इधर बाबू भी शुरू हो गया है अभी जा रहे हैं सबको देने के लिए पानी नहीं देते हैं दीदी कुछ चाहिए आपको अच्छा इधर सब अच्छा ये सब हाँ ठीक है दे रहे हैं हाँ दे अब ठकुराइन जी आ गए हैं ठीक एकदम अच्छे से लगाना है ठीक तभी हमारे यहाँ सब क्या है ये होता है परंपरा जो कि देखिए अभी नाखून काट रहे हैं खाली हल्का लो ठका देंगे भाभी टेंशन मत लीजिए अभी मम्मी भी नहीं नहाए है ना
पूजा पाठ ही मम्मी को करना हूँ। हल्का हल्का ठेका दू अब घर में इतना अच्छा शुभ दिन है और इस शुभ दिन में अगर ये सब काम नहीं हुआ तो फिर मजा भी नहीं आएगा। और अभी इतना भिजिए कि हम लोग खुद नहीं नहाए हैं और अभी जा रहे हैं तो नहाएंगे पहले भाभी के तो देख लेते हैं क्योंकि इधर भी देख लेते हैं। भाई यहां ना चाची ना कौन है अभी अच्छा बोल देती हूँ आपका हम जाना थी अच्छा बोल देती हूँ भाभी कपड़ों से टोपी भी यहाँ था अच्छा से हाँ टोपी ऐसे हाँ ना पानी लाओ थी नहाए ला हो गया ना हाँ तो दोस्तों ये भाभी को लग गई थी भूख तो अभी जा रहे हैं इनके लिए खाना लेकर। दीदी अभी नहा रहे हैं उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए इधर मम्मी भी रंगवा रहे मम्मी नहा सागर हो चुके हैं रेडी क्योंकि भी जाना है मम्मी को पूजा करने के लिए और थोड़ा थोड़ा ठेका दीजिए उनको ऐ मिलेगा रात को मिलेगा पांच गो प्रकार अभी से काम चलाइए थोड़ा सा ही हाँ बस थोड़ा सा ही काम चला लीजिए अभी लेकिन नहा सर इसके बाद बनाएंगे जैसे खाची में। इधर मम्मी जी लगवा रहे हैं गोड़ में और थोड़ा हमको भी आराम मिला बैठे तो सब आंटी लोग आए थे थोड़ा थोड़ा इधर उधर करना हाँ सब सुबह सुबह महुआ बिनना है ना सबको ना तो कोई टेकवा टाड़ चलेगा कोई कहाँ कहाँ चलेगा हो जाता है महुआ गिर ही रहा है कुछ ही बा बोलो ना कोशिश करवा दे वेला अच्छा मम्मा भाभी सब शाम को हम रेडी करेंगे अभी आप कुछ खा लीजिए शाम को इसलिए भी नहाया घर नहीं है इसलिए कुछ रेडी नहीं करा आपके लिए खाना भी टमाटर आलू टमाटर के चोखा और जब हम मांगल दे ना दीदी चोखा चटनी मत डालिए टमाटर वा बाबू उसी लैटिन करेगा हाँ, हाँ, दे 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 द